दोस्त किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो सफल होने से आपको रोक सके। दोस्त आज मैं आपको ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी माँ की उम्मीद पे खरा उतरने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त इनके पिता बहुत ही गरीब किसान थे। ये सब्जी को बेचकर अपनी घर की दो वक्त की रोटी को पूरा करते थे और ये सब्जी बेचकर अपने बेटे को पढ़ाया करते थे। लेकिन दोस्त धीरे धीरे गरीबी और बढ़ती गई और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए अब इनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और इस समय इनके एक बड़े बेटे जो कि 5th स्टैंडर्ड में था, 5वीं क्लास में था, और इनकी माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा घर का हालात बहुत ही खराब होता जा रहा है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कैसे गरीबी को मिटाया जाए। बेटा अब तुम ही इस घर का आखिरी उम्मीद हो, तुम अपने पढ़ाई को हल्के में मत लेना, मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा, क्योंकि हमारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस गरीबी से निकलने के लिए। दोस्त इतना बात सुनकर उनके बेटे की आंखों में आंसू आ गया और वो बोला कि माँ मैं इस गरीबी को जरूर मिटाऊंगा माँ, बस अपने बेटे से उम्मीद मत खोना माँ। लेकिन दोस्त ये लड़का भी बहुत ही छोटा था और जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होते गया खर्चे भी बढ़ते गए, क्योंकि दोस्त इनके गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल ना होने की वजह से इन्हें बाहर पढ़ने जाना होता था। इसी वजह से घर की हालात और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। तभी इनके छोटे भाई ने अपने घर की हालात को देखते हुए दिल्ली में कुछ काम करने का सोच लिया। लेकिन दोस्त इतनी छोटी सी उम्र में उसको दिल्ली काम करने के लिए भेज देना उनके पिता और उनके बड़े भाई को मंजूर नहीं हुआ। और दोस्त इतनी गरीबी और दिल्ली में काम करने नहीं जाने देने के कारण इसका छोटा भाई डिप्रेशन का शिकार हो गया, क्योंकि अब इससे अपने माँ बाप की गरीबी नहीं देखा जा रहा था और ये अपने माँ बाप के लिए कुछ काम करना चाहता था। और ये डिप्रेशन में गया तो इनका इलाज भी शुरू हो गया और इनमें भी पैसे खर्च होने लगे। और दोस्त फाइनली एक ऐसा वक्त आया कि इनके छोटे भाई को अब और देखा नहीं गया और इसने सुसाइड कर लिया। दोस्त इस घटना के बाद इनके बड़े भाई बिल्कुल टूट गया था और वो फूट फूट कर रोने लगा और वह सोचने लगा कि ये सब का कारण सिर्फ एक ही चीज है, वो है गरीबी और इसे हमें मिटाना है। उसके बाद उस लड़के ने उसी समय डिसाइड कर लिया कि हमें 10th के बाद क्या करना है और पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने लगा। और दोस्त अच्छे रिजल्ट के साथ उसने 10th एग्जाम को पास कर लिया। रिजल्ट आने के जस्ट बाद ही अपने पापा से कहा कि पापा हमें Super 30 के आनंद सर से मिलना है, और वो दोनों वहाँ से मिलने गए और वहाँ इस लड़के का एडमिशन भी मिल गया और वो लड़का मेहनत के साथ वहाँ पे पढ़ाई करने लगा। दोस्त इनके टीचर ने नोटिस किया कि ये लड़का देर रात तक हमेशा पढ़ाई करता है और एक दिन ऐसा वक्त आया कि इनके टीचर से रहा नहीं गया और इन्होंने कह दिया कि बेटे थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तो दोस्त ये लड़का का जवाब सुनकर उनके टीचर भी रो पड़े। उसने बोला कि सर जब मैं आराम करने का सोचता हूँ ना तब मुझे मेरा भाई का याद आने लगता है जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही खो दिया था। मुझे अपनी माँ की मुझसे उम्मीद का याद आता है और मुझे पापा की उस मजदूरी का याद आने लगता है। अब आप ही बताइए सर मैं कैसे आराम कर लूँ, क्या आप ऐसी सिचुएशन में आराम कर सकेंगे। तो दोस्त उनके टीचर के पास कोई शब्द नहीं बचा बोलने के लिए। दोस्त इसका सपना था कि IIT में एडमिशन ले और दोस्त इतनी मेहनत के बाद कौन कहता है कि जो सोचो वो नहीं हो सकता। और दोस्त वो इतना मेहनत किया कि फाइनली वो एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके उसे IIT में एडमिशन मिल गया। तो दोस्त इस कहानी से सीखने वाली बात तो ये है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो आप कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि दोस्त आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीद होती है।
उस उम्मीद को खोने मत दीजिएगा।